हेलो गाइस, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ जितेंद्र यादव। आज मेरा लाइफ का फर्स्ट ब्लॉग वीडियो है। सबसे पहले आज जनकपुर का जानकी मंदिर आप लोग को दिखाएंगे, जो नेपाल में पड़ता है, और मैं भी जनकपुर से ही बिलोंग करता हूँ, तो सोचे कि जानकी मंदिर से ही स्टार्ट करूँ। जय माता जानकी। चलिए आगे दिखाते हैं फाइनली जानकी मंदिर। अब जा रहे हैं आप लोग को जनकपुर दिखाने के लिए। जनकपुर में मैं रहता हूँ, ये मेरा बाइक है, और दूसरा बाइक ये है, इस पे मेरा भाई चढ़ता है, ये जो है ना, इस पे मैं चढ़ता हूँ, और आज इसी बाइक से ले जाऊँगा। जा रहे हैं दिखने के लिए, जनकपुर का जानकी मंदिर जो है आप लोग को दिखाएंगे। तो अभी गाइज निकालते हैं बाइक, उसके बाद चलते हैं। अभी रामानंद चौक में है, जनकपुर का रामानंद चौक में, जो कि लगभग जनकपुर का ये जो है ना मेन चौक बोला जाता है इसको, मिडिल सेंटर बोला जाता है। तो अभी देखिए रामानंद चौक का नज़ारा, इसके बाद जो है ना राइट साइड से फिर जानकी मंदिर के लिए निकलता है। तो फिर आप लोग चलते हैं हम लोग जानकी मंदिर के पास। तो फाइनली गाइस आ गए जानकी मंदिर के नज़दीक, जहाँ पार्किंग है, गाड़ी सब पार्क होता है। अब जा रहे हैं मंदिर में। देखिए रूम से ज़्यादा दूर नहीं है, 3 किलोमीटर समथिंग के दूरी है, तो 5 से 10 मिनट लगता है, ज़्यादा दूर नहीं है बाइक से। तो जा रहे हैं, देखिए बाजू में दिख भी रहा है जानकी मंदिर, बाइक यहाँ पार्किंग कर दिए। अरे यार, आप लोग भी कभी आइएगा तो यहीं पे पार्किंग कीजिएगा। बाइक से फोर व्हीलर है उस साइड में, जहाँ बाइक का पार्किंग होता है, उससे एक हाफ किलोमीटर बाजू में है, मतलब जानकी मंदिर के दक्षिण उत्तरवाड़ी साइड में पार्क होता है फोर व्हीलर। और बाइक देखिए, बहुत सारा लोग रहता है, रोज का भीड़ रहता है यहाँ पे, बाहर बाहर देश विदेश से टूरिस्ट सभी आता है घूमने के लिए। आप लोग भी आइए, जो नहीं आए हैं घूमने के लिए, आराम से घूम के जाइए, जनकपुर माता जानकी के दर्शन करके जाइए सब लोग। बहुत रिलैक्स फील होगा यहाँ, लगेगा कि हाँ, ये जानकी मंदिर दर्शन आने के बाद जो है ना, यहाँ पे मस्त लगता है, मस्त एकदम, जो अंदर से जो धर्म कर्मी है हम, वो फील आएगा। पूरा नेचुरली है जहाँ सीता मैया का। देखिए फाइनली गाइज आप लोग को दिखाते हैं, थोड़ा वाइड में जाके कैमरा दिखाते हैं, मंदिर फुल आएगा। फाइनल गाइज देखिए मंदिर, जानकी माता का मंदिर यही है, जिसे नौलखा मंदिर भी बोला जाता है। देखिए कितना सुंदर है, वाह, वेरी नाइस, मस्त लग रहा है। अब आप लोग को दिखाते हैं अंदर का जो सीन है, अंदर का जो लोकेशन है, अंदर का जो जहां माता का विराजमान हुआ है,
जहाँ मतलब मंदिर में जो मूर्ति बैठाया गया है वो सीन दिखाते हैं आप लोगों को। चप्पल चप्पल निकाल के जाना पड़ता है, यहाँ पे जूता चप्पल बाहर रखना पड़ता है। और देखिए यहाँ पे आप लोग भी आइए, लड्डू देखिए लड्डू बिक रहा है यहाँ पे, यहीं पे खरीदना है। और बाहर भी बिकता है, बाहर से भी लोग लेके अर्पण करने के लिए आता है अंदर। ओहो देखिए ये बाहर का भीतर का जो है ना, भीतर का है। कितना अच्छा नजारा है गाइस, देखिए कितना मस्त लग रहा है। गाइस यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, फिर भी आपको दिखाते हैं। अभी पट लग गया है, ढोका जो है ना, डोर जो है, गेट अभी खुला नहीं है। और सुबह में 12 बजे से पहले खुलता है, खुला रहता है, और 4-5 बजे के बाद खुला रहता है, बीच में बंद हो जाता है क्योंकि थोड़ा रेस्ट भी चाहिए। यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, फिर भी जो है ना प्रयास किए हैं, चोरी चोरी खींच लिए हैं, खींचते हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं कैमरा में। देखिए ये मेन गेट है, ये जो है मेन गेट सारा चांदी का है बनाया हुआ, अंदर में गोल्ड सब का भी है। यहाँ पुजारी सब, सभी भक्तजन सब जो है ना प्रसाद अर्पण करते हैं यहाँ पे। बाबा प्रसादी दिए कने, पंडित बाबी प्रसादी भी ले लिए। देखिए प्रसादी आप लोग को दिखा रहे हैं, प्रसादी प्रसादी ले लिए। देखिए दर्शन कर लिए, जय माता दी। बहुत अच्छा फील होता है यहाँ आने के बाद, जो है ना कुछ अलग मोमेंट लगता है। मतलब आप समझिए कि माँ जानकी का यहाँ इतना भव्य मंदिर है, आप लोगों को पता ही होगा। लगभग लगभग यहाँ तो 95% लोगों को पता रहता है कि भगवान श्री राम का यहाँ ससुराल है जनकपुर में। तो आप लोग भी कभी आइए देखने के लिए, मज़ा आ जाएगा माता जानकी के दर्शन के लिए। मतलब पुण्य का भागी आप लोग भी बनिए, बहुत अच्छा रहता है। फिर और बाहर का नज़ारा भी दिखाते हैं दोस्तों आप लोग। अब बाहर जा रहे हैं, दर्शन कर लिए, प्रसादी ले लिए, और फिर यहाँ से दर्शन करके निकलेंगे। जानकी मंदिर में दर्शन करके बाहर आ गए। देखिए यहाँ पे बहुत सारा लोग बिजनेस व्यापार भी करता है, कुछ कुछ देखते हैं, जैसे खिलौना पिछड़ी बासी भी। हाँ भैया कत घर है भाई तोरा, तोर घर कत? हमारा घर जानकी। अरे घर पता नहीं आपका कहाँ है? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी, देखिए इनका घर सीतामढ़ी है। कितना दिन से यहाँ बेच रहे हो? एक साल। अच्छा बिकता है ना यहाँ, बिजनेस व्यापार अच्छा चलता है ना? अरे शर्मा क्यों रहे हो भैया, आप बांसुरी बजा दीजिए तो, बहुत अच्छा था बांसुरी। अरे बजाते नहीं है आप? क्या बजाते नहीं है? देखिए यहाँ मतलब बहुत अच्छा फील होगा यहाँ पे आने के बाद। फिर बहुत सारा नज़ारा देखिए बाहर का, ये बाहर का नज़ारा सब है। देखिए यहाँ पे आगे जो है ना, बीच बीच में कोई ना कोई कार्यक्रम होता रहता है बीच बीच में, और इसी जानकी मंदिर के संबंधी जो है ना। हाँ अच्छा, ये राम जी का ससुराल हुआ जनकपुर, जनकपुर से कितना 5,000 की कितना जो भार, मतलब जो इंडिया में जो अयोध्या में श्री राम, प्रभु श्री राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख का होने जो जा रहा है,
तो उसी में यहाँ से बाहर जाएगा। देखिए लड़की का ससुराल में अगर कोई घर बनता तो मायकी से नहीं जाता है, वही जा रहा है। देखिए तो यहाँ से लड़की का घर से जो बाहर जाता है ना, तो वही सब यहाँ का जितना भी लोग है के तरफ से भी, मिथिलावासी के तरफ से भी, जिसके घर से जितना मतलब जो श्रद्धा है, सब अपना अपना हिसाब से इनके कहने का अनुसार मैं बता रहा हूँ, अपना अपना अनुसार क्षमता अनुसार जो है ना सभी यहाँ दान कर रहा है और यहाँ से भार के स्वरूप में जाएगा। ये सब भार का नज़ारा सब सारा कलेक्ट हो रहा है। बाबा कितना तारीख का यहाँ से भार जाएगी? चार तारीख जी जी परसों आज और कल तक है पूरा। कितना भार है हमको मालूम है, 11 तक कितना है हमको पता है, जितना हो सके है ना। ठीक है, आज और कल में भार पूरा है कि भार रुके हुए जी जी के भार है ना जी जी, इसलिए आज और कल में जो आ जाएगा आज पूरा कल तक आ जाएगा जी जी जी, कल गिनती होगा। ठीक है, तो गाइस यही है यहाँ से बाहर जाएगा बहुत सारा, मतलब जो बेटी का घर से जो बाहर जाता है ना वही सब है। एक बहुत अच्छा मोमेंट है और यहाँ से बाहर जाने के बाद अयोध्या का लोग खुश होगा कि देखिए राम जी का ससुराल से आज से 5000 साल पहले जो शादी विवाह हुआ था त्रेता युग का रिलेशन कलयुग में भी इतना अच्छा से निर्वाह किया जाता है, तो इससे अच्छा मोमेंट का और क्या हो सकता है ना। तो यही सब है अपना हिंदू धर्म का खासियत, सब होना भी चाहिए। जाइए अब मंदिर दर्शन करवा दिए आप लोग को। भाई ओ भाई राजा कति नाम छो? हाँ क्या नाम है? नाम नहीं है अपना याद भी नहीं, संदीप नाम है, झूठ बोल रहे हो क्या? अरे यार कितना क्यूट दिख रहे हो, लाल नहीं लगना चाहिए। देखिए कितना अच्छा दिख रहे हो आप, कितना बेच लेते हो एक दिन में? 2000 का? अरे बाप रे, तब तो अमीर है आप। ठीक है, तो यही सब है, बच्चे सब भी यहाँ पे बिजनेस व्यापार करता है। देखिए अभी अंदर नहीं जा पाऊँगा, मरवा आप लोग को अब मरवा दर्शन करवाते हैं। देखिए बाहर से ही आज करवाते हैं, कुछ अगले वीडियो में आप लोग को गाइज मरवा को भी दर्शन कराएंगे। यहाँ देख लीजिए आज बाहर से कुछ दिखा देते हैं नज़ारा। ये माता जानकी का मरवा है, मंदिर साइड में हुआ, उसी के जस्ट बगल में देखिए ये मंदिर इस जस्ट बगल में मरवा दिया गया है। देखिए गाइस और डिटेल्स में बताएंगे अगले वीडियो में। तो गाइस जानकी मंदिर फाइनली दर्शन करवा के आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में आपको मरवा और जनकपुर का जहां राम जी धनुष तोड़े थे, तो एक धनुष धमसा में गया था, बहुत सारा चीज़ जो है यहाँ का धार्मिक स्थल वाला आप लोग को बीच बीच में सारा वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, लव यू ऑल।